तो आगम में कहा गया है, एष्णा ए पवुच्चै सुवसु मुनि नायक कहलाता है। जिस साधु के पास अपरिग्रह का धन है, परिग्रह का धन भौतिक धन है, अपरिग्रह का धन आध्यात्मिक धन होता है, तो साधु को कोई धनवान कहे तो साधु के पास अनेक रूपों में धन हो सकता है, उनमें एक धन है अपरिग्रह, अकिंचनता। परिग्रह का धन है गृहस्थों के पास, वह छोटा धन है, तुच्छ धन है। और जिसके पास अपरिग्रह का धन होता है वह बड़ा धनवान होता है। संस्कृत में जो कहा गया है, अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर् भवेहि योगी गम्य मिदं प्राहुः रहस्यं परमात्मनः, कि जो अकिंचन होता है वह तीन लोक का अधिपति है, त्रिलोकी नाथ है। क्योंकि भी अपरिग्रह जैसा धन जिसके पास है, कितना बड़ा धनवान है, और सबके पास है तो छोटा धन है, लाख है, करोड़ है, अरब है, छोटा छोटा है, पर साधु के पास तो अपरिग्रह का धन है, जिसकी तुलना में न कोई अब्जपति आ सकता न खरबपति आ सकता। इसलिए साधु तो तीन लोक का मानो अधिपति बन जाता है। साधु हम लोग यात्रा करते हैं, कितने विद्यालयों में रहने का स्थान मिलता है। आज भारत में देखें, कभी कितने प्रोफेसर होंगे, वाइस चांसलर होंगे और होंगे, कि एक वर्ष में कितने विद्यालयों में जाते हैं, पता नहीं 200-250 विद्यालयों में हर साल कोई जाते हैं, यानी हमारे संत लोग तो गुरुकुल वास वाले एक साल में कितने विद्या संस्थानों में रह जाते हैं। एक जिनके पास पैसा न हो, इतनी जगह उनको मिलती है। तो यह अपरिग्रह बड़ा धन है। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का परिसर अब ये किन को देते होंगे यों चार महीना रहने के लिए, पर जिन साधु हैं तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थान उपलब्ध है। तो साधु बड़ा धनवान है, और जिसके पास अपरिग्रह का धन है, अकिंचनता का धन है, वह बड़ा धनवान है, और जिसके पास परिग्रह है वह छोटा धनवान होता है। जो इस लोक संयोग, परिग्रह, माता पिता, परिवार, ममत्व, इन सब का अतिक्रमण कर देता है, वैसा साधु नाय कहलाता है। नायक कहलाता है। नायक नेता होता है। दुनिया में कई प्रकार के नेता मिलते हैं। कोई राजनेता होता है, राजनीति में जो एक मुखिया है, अग्रणी है, लीडरशिप करने वाला है, लीडर है राजनीति में, तो वो एक राजनेता होता है। समाज नेता, समाज में जो मुखिया है, अगुवा है, प्रमुख है, वह समाज नेता हो सकता है। सरकार में अब बहुत बड़े हैं,
राजतंत्र में राजा को नेता मान लें, लोकतंत्र में और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, प्रांतों में राज्यपाल मुख्यमंत्री, ऐसे और भी कोई राजनेता होते हैं। आयारों में कहा गया एसनाये पवुच्चई, यह सुवसु साधु लोक संयोग का अतिक्रमण जो करने वाला है, अपरिग्रही है, ममत्व का त्यागी है, वह साधु नायक कहलाता है। नेता होना भी एक विशेष बात है, कि नेता होना, नेता में विशेषता भी होनी चाहिए, कि नेता है तो साथ लेकर कुछ चलने की क्षमता है या नहीं। कि नेता के साथ लेकर नहीं चल सकता, खुद इतना अहंकारी है, घमंडी है, झगड़ालू है, ईमानदारी भी पूरी नहीं है, बुद्धिमत्ता भी विशेष ज़्यादा नहीं है, तो वह नेता कैसे बन सकेगा? और जैसे तैसे बन गया तो कितना क्या टिक सकेगा? तो संसार में, दुनिया में भी नेता होता है, उसमें भी कुछ अर्हता होती है, तो वह अच्छा नेतृत्व कर सकता है। किसी समाज की संस्था का भी नेता बनता है तो कुछ अर्हता है या नहीं। अर्हता के बिना नेता बन जाना, इसमें क्या लाभ या फायदे की बात होगी? तो अर्हता, पात्रता, योग्यता वो है, और वैसा आदमी समाज में नेता बने तो माने ठीक है, भी समाज का भला कर सके, समाज को अच्छी दिशा में आगे ले जा सके। तो नेता चक्षुष्मान होना चाहिए, प्रज्ञा, बुद्धिमान, समझदार और भी सदाचार संपन्न होना चाहिए। ड्राइवर है, बस चलाता है, बस में 50 अंधे आदमी यात्री के रूप में बैठे हैं, 50 अंधे हैं कोई बात नहीं, पर ड्राइवर तो आँखों वाला चाहिए ना। कि ड्राइवर आँखों वाला है, कुशल है बस चलाने में, तो 50 अंधों को भी वह गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता है। 50 आँखों वाले बैठे, ड्राइवर अंधा हो गया तो उस ड्राइवर के भरोसे बस को कैसे छोड़ा जाए? तो ड्राइवर चक्षुष्मान होना चाहिए। पीछे वाले मान लो है वैसे हैं, ड्राइवर तो योग्य चक्षुष्मान चाहिए। इसी प्रकार नेता बुद्धिमान चाहिए। पीछे समाज में कोई कम बुद्धि वाले कोई कैसे हैं, उन सब को जैसे तैसे निभाना, वो एक फिर नेता का अपना काम हो सकता है। तो नेतृत्व करने वाले में सहनशीलता भी है या नहीं, कहीं खुद को भी सहना पड़ सकता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कोई शिकायत करता है, तो नेता अघा जाए, तनाव में आ जाए, झुंझलाहट में चला जाए, धैर्य छोड़ दे, तो नेतृत्व की कुछ कमी हो सकती है। कई बार नेता को तो आलोचना निंदा भी सुननी पड़ सकती है, कोई गुस्से में आके बोलता है, कोई विरोध में कुछ छापता है, कोई कुछ करता है, और आसपास रहने वाले वो भी कोई दूर हो जाता है, उसकी भी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई, वो भी छोड़ने को तैयार, ऐसी कई स्थितियां आ सकती है। इन स्थितियों में धैर्य रखना, यह एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए। कि सामने कई लोग निंदा करते हैं, विरोधी निंदा करते हैं,
तो देख लो, स्पष्टीकरण देना अपेक्षित हो तो वो दे सकते हैं, वरना स्पष्टीकरण भी विशेष मत दो, भले अपना अच्छा काम करो। निंदा का जवाब जबान से नहीं अच्छे कार्यों से दो। जबान से भी कभी दे सकते हैं, वरना जबान से निंदा का जवाब जबान से नहीं काम से दो। अच्छे काम करते रहो, फिर लोग वो भी सोचेंगे शायद कभी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, हम क्यों इनका विरोध करें। तो नेता विरोध को भी सहन कर सके, कोई वचन से विरोध करे, कोई छापे छाप छाप पेम्पलेट आदि छाप करके, आजकल तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में कोई इस रूप में विरोध करे, तो नेता को शांति रखनी चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा यूँ गुस्से में नहीं, इतनी मेरी निंदा कर दी, गुस्सा मत करो, शांति रखो, कोई बात नहीं। कि निंदा करने वाले हैं उनकी बातों में कोई तथ्य है क्या, जो छापते हैं कि बोलते हैं कि बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई तथ्य है क्या, तो कोई तथ्य थोड़ा है, यह हमारे संगठन में कमी है, तो ध्यान दे लो, कमी का परिष्कार करो, कमी को कम करो, दूर करो, तो अच्छी बात है। विरोध करने वालों के कहने में तो उसको चिंतन पूर्वक ग्रहण कर लो, अपनी जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करो, अच्छी बात है, हमें एक चिंतन मिल गया कि यह कमी है, ठीक कर लो। कमी की कोई बात नहीं है, उनकी तो एक है क्रम है, निंदा आलोचना करना, कोई कमी नहीं है, झूठी झूठी बातें उड़ा रहे हैं, तो शांति रखो, उड़ाने दो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे क्या फर्क पड़ा, गाली सुनिया ने हुए गुमड़ा, भले गालियां भी देंगे देते हैं तो गालियां सुनने से गुमड़े नहीं होते हैं, गालियां दें वो जाने, मैं अपनी शांति को क्यों छोड़ूं, मैं समता शांति में रहूं। तो नेतृत्व करने वाले में धैर्य भी होना चाहिए, विरोध को सहन कर सके, शांति रख सके, या कोई सही बात है विरोध करने वालों की, उसको अच्छी तरह ग्रहण करके उसके अनुसार अपना परिष्कार भी करने का परिष्कार नेता को करना चाहिए। नेतृत्व करने वाला है तो उसको यथा योग्य परिश्रमी भी होना चाहिए, यथा योग्य परिश्रम करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आराम तलब हो जाए कि मैं तो नेता हूँ आराम तलब हूँ, नेता हो या कोई हो परिश्रम तो करना चाहिए, जितना अपने स्वास्थ्य को उम्र को देख लो, उम्र के हिसाब को देख लो, स्वास्थ्य को देख लो, बाकी परिश्रम करो, सफलता का पौधा परिश्रम के जल के सिंचन को मांगता है, सफलता का पौधा परिश्रम रूपी जल से सिंचन मांगता है, परिश्रम करो तो सफलता मिल सकेगी, हार्ड वर्क परिश्रम करना चाहिए, कि भी जितना आप आवश्यक है उतना आराम कर लो। देखो उम्र कितनी है, अब उम्र थोड़ी ज़्यादा आ गई है तो उम्र के हिसाब से भले शरीर का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो, तो जितना कर सको उचित है वो तो परिश्रम करो भरपूर, जितना परिश्रम करोगे तो सफलता मिल सकती है, हमारा काम परिश्रम करना है। तो नेता को धैर्यवान होना चाहिए, नेता को शांतिमान भी होना चाहिए, और नेता अच्छी बात दूसरों की है उसको स्वीकार करने की क्षमता वाला भी चाहिए, अपना परिष्कार कर सके, और नेता को परिश्रमी उद्योगशील होना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगशील परिश्रमशील है, कवि ने कहा लक्ष्मी उसके पास आती है।
का संस्था का अध्यक्ष बने हो, मंत्री बने हो, तभी अध्यक्ष मंत्री रहना है तो समय भी निकालना चाहिए, जितना परिश्रम भी करना होता है कि अध्यक्ष मंत्री तो बन गए कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम काम नहीं करोगे तो अध्यक्ष बनने का मतलब क्या हुआ, मंत्री बनने का मतलब क्या हुआ। ये संस्थाओं में अध्यक्ष और मंत्री ये दो तो खास पद हैं, और तो मान लो उपाध्यक्ष, फिर भी मंत्री को तो ज़्यादा एक श्रमशील, इधर अध्यक्ष को भी, तो अध्यक्ष और मंत्री का तो जोड़ा होता है, अध्यक्ष मंत्री कल्याण परिषद गोष्ठी होती है तो अध्यक्ष मंत्री आदि आया कर। तो संस्था में आए हो दो साल चार साल जितना भी कार्यकाल है तो तब तो समय निकालोगे, परिश्रम करोगे, कुछ नियोजन योगदान दोगे तो संस्था की शोभा बढ़ सकेगी। तो नेता बनना कोई छोटी बात नहीं है, नेता बनना बच्चों का सा खेल नहीं है कि नहीं खेल 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 नहीं खेलना मात्र है। नेता में जितना बड़ा नेता होगा, जो जितना बड़ा नेता होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा अर्हता होनी चाहिए। जितने बड़े पद पर बैठोगे उतनी बड़ी अर्हता है, यानी वो अर्हता होनी चाहिए। तो नेता बनना आराम करने के लिए नहीं है, नेता बनना सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं है, नेता बनना तो सेवा के लिए, काम के लिए अच्छा कर सको। तो उसमें धैर्य होना, समता शांति का भाव होना, अपनी कमजोरी लगे तो उसको स्वीकार करके दूर करने का प्रयास करना, मेरे संगठन में यह कमी है तो उसको भी हम मुंह से बोले न बोले अलग बात है, मन में समझ लें यह कमी है, हम इसको दूर करें। और परिश्रम करने वाला हो और अपनी टीम है, साथी है, काम करने वाले हैं, उनसे कैसे काम लेना, काम कराना। नेता तो बन गया, अब किसी को बात बात में गुस्सा, बात बात में झाड़ना, बात बात में घमंड दिखाना, तो साथी हैं वो भी दूर हो रहे हैं, तो साथियों को कैसे साथ रखा जा सके, उनका मन भी कैसे उत्साहित रह सके, प्रसन्न रह सके। साथियों पर कुछ भरोसा भी करना होता है कई बार, भी ठीक है यह काम तुम्हारा है तो भरोसा करो, कहीं गलती लगे तो बता दो भैया इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बाकी थोड़ी उसको छूट दी जाएगी, कुछ स्वातंत्र्य एक सीमा तक दिया जाएगा तो वो साथी भी खुश मन से काम, वरना साथी पर भरोसा नहीं, बात बात में टोकना, बात बात में झाड़ना, पांच दस के सामने उसकी अवज्ञा करते रहना, तो साथी भी कोई केवल ज्ञानी थोड़े ही हैं, तो उनका मन भी धीरे धीरे करनी, हमें तो इस्तीफा, हमारा इस्तीफा ले लो आप, नहीं करना काम। तो नेता को तो खुद को सहन करना होता है, कई बार साथियों की बातों को भी सुनना पड़ जाए तो भी शांति से सुने, कभी साथी थोड़े तेजी में आके बोल दें तो नेता को शांति रखनी चाहिए, बोलने दो फिर कभी बात करेंगे। तो नेता में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की क्षमता होनी चाहिए, और मौका आए तो कड़ाई से भी कह सके, वो भी साथ में होना चाहिए कि कड़ाई भी, कड़ी कड़ी बात कहनी है तो कड़ी बात भी कह सके, निर्णय लेना है तो ले सके। नेता में निर्णायक क्षमता, वो बहुत अच्छा गुण कि वो मौके पर अच्छा निर्णय ले सके, कि निर्णय नहीं ले सकता, डरता है, उपस्थिति भी ज़्यादा नहीं है, तो नेता में तो थोड़ा एक दिमाग भी थोड़ा यूँ उर्वर हो, मौके पर अब क्या करना, अब किधर मुड़ना, किधर जाना, कहाँ करना, संगठन में क्या करना, तो चिंतन मंथन कर लो, फिर आखिर निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। तो नेता
निर्णय भी ले, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, जितना उसको स्वातंत्र्य है उसमें निर्णय लो, वरना अपने जो विधि विधान है इतने व्यक्तियों के साथ चिंतन करके निर्णय लेना। तो कोर ग्रुप है तो कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाओ, जब जब मीटिंग बुलानी कोर ग्रुप के साथ बैठ के चिंतन कर लो, सबने मिलके सहमति से विचार हो गया, अब निर्णय करो। कि निर्णय करेंगे थोड़ा विरोध होगा, निर्णय ठीक है, निर्णय तो ठीक है, और कईयों से सलाह लेनी है तो ले लो, फिर जो निर्णय करना सो कर लो, थोड़ा विरोध होगा तो होगा। तो नेता में निर्भीकता, निडरता भी, लीडर निडर होना चाहिए। कि लीडर है तो निर्भीकता भी होनी चाहिए, मौके पर देखेंगे निर्णय करना है तो करना है। तो ये आयारों में कहा गया ए सनाए पवुच्चई, यह साधु नेता नायक कैसे कि मोक्ष की ओर खुद भी जाने वाला दूसरों को ले जाने वाला होता है, इसलिए अपरिग्रही त्यागी साधु नायक नेता कहलाता है।